अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तरीन रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम करने जा रहे हैं मेन लाइंस का रिव्यू। बेसिकली ये जो मेन लाइंस हैं ये आम मेन लाइंस नहीं है, ये 2021 की लेटेस्ट मेन लाइंस है जो कि पाकिस्तान में फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को मिले, क्योंकि पाकिस्तान में पुरानी मेन लाइंस आती हैं। तो बेसिकली आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में, मेरे एक दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे वो मिलने लेके आए थे, तो आई एम फीलिंग क्वाइट लकी दैट आई हैव गॉट माय हैंड्स ऑन इट, सो आई विल बी रिव्यूइंग इट फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू फॉर टुडे। सो गाइस, हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं 6 मेन लाइंस 2021 की गाड़ियां हैं, यानी कि लेटेस्ट वन। सो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है जैगवार एफ टाइप 2020 की। बेसिकली ये न्यू कास्टिंग है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। ब्लू कलर में हमारे पास इस वक्त मौजूद है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ओपन करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से खोलूँ कि ये मैं दोबारा पैक कर सकूँ, क्योंकि अगर आप गाड़ियाँ वैसे रखें, इट्स गोइंग टू बी अ टिप फॉर यू गाइस कि अगर गाड़ियाँ ऐसे रखते हैं इस पर स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि इस तरह से आप पैक को खोलें कि उसके बाद आप दोबारा जब आप उससे अपना शौक़ पूरा कर लें, यानी कि उससे अगर आप खेलना चाहें, उसको देखना चाहें, तो उसके बाद दोबारा उसको पैक कर सकें। तो जो सबसे पहले हमारे पास है ये है ब्लू कलर की जैगवार और बहुत खूबसूरत है, शेप इसकी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, पिछली जो जैगवार्स होती थी उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता था, बट इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। पीछे से टेल लाइट मुझे अभी भी ऐसी लग रही है कि जो इससे पुराना मॉडल था उस जैसा था, मगर अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल खूबसूरत है। नीचे इसकी मार्किंग हुई भी है, लिखा हुआ है 2020 जैगवार टाइप एफ, और इसकी हेडलाइट्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, टेल लाइट्स भी हैं, मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड कास्टिंग, आई रियली लाइक इट, द कलर इज़ सो ब्यूटीफुल, आई एक्चुअली लव ब्लू कलर्स। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पोर्शे पैनामेरा टर्बो एस ई हाइब्रिड स्पोर्ट्स टूरिज्मो। अच्छा, इससे पहले जो आई थी पोर्शे पैनामेरा जो आई थी वो बेसिकली नॉर्मल थी, ये वाली जो है वो है हाइब्रिड। सो इसको हम ओपन करते हैं। ये आ गई हमारे पास पोर्शे पैनामेरा, वाइट कलर में है और बहुत खूबसूरत है। पर्सनली मुझे ये शेप बहुत अच्छा लगता है, इट्स काइंड ऑफ यू नो स्पोर्ट्स कार बट आल्सो अ फैमिली कार एज वेल। बहुत खूबसूरत गाड़ी है पोर्शे ने, इसकी बेसिकली परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, और पीछे से अगर आप देखें तो टेल लाइट और पीछे हॉट व्हील्स का इन्होंने लोगो दिया हुआ है फ्रंट पे। इसकी हेडलाइट्स इतनी डिटेल नहीं है बट ब्लैक कलर में एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस। रिम्स के ऊपर भी इन्होंने जो है बिल्कुल एक सिल्वर कलर की लाइनिंग दी हुई है और ओवरऑल इसकी लुक बड़ी अच्छी है। नीचे जो डिटेल्स हैं उसमें आपको जो है हॉट व्हील्स का लोगो मिल जाता है और गाड़ी का नाम और मॉडल और ये नज़र आते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है रेड कलर की ऑडी R8। अच्छा, ये इससे पहले जो आई थी वो वाइट कलर में आई थी, ये इसका सेकंड कलर है। सो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये जो गाड़ी है ये है ऑडी R8 स्पाइडर। बेसिकली ये इसका जो है रोडस्टर वर्जन है, यानी कि ये इसका जो टॉप है वो ओपन है। सो इट्स अगेन अ स्पोर्ट्स कार एंड काइंड यू नो सुपर कार आप कहें, नॉट स्पोर्ट्स कार, इट्स लाइक सुपर कार फ्रॉम ऑडी। ये आप लोगों ने अक्सर देखी भी होगी मिस्टर आयरन मैन के पास, क्योंकि जितनी भी एवेंजर्स मूवीज़ हैं, अगर आप लोग उसके फैंस हैं तो एवेंजर में जो टोनी स्टार्क होते हैं वो हमेशा जो है ऑडी R8 जो है यूजुअली ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हम जब इधर देखते हैं तो बहुत डिटेल्ड है, फ्रंट पे इसका हुड पे इसका लोगो है, डिटेल हेडलाइट्स हैं, इसके अलावा नंबर प्लेट भी दी हुई है, और पीछे से हम देखें तो टेल लाइट्स इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन चूँकि इसका कलर रेड है तो मे बी उसके साथ ब्लेंड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी फील काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल एक खूबसूरत गाड़ी बनाई है हॉट व्हील्स ने, टॉप से इसकी काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं, अंदर की भी डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी साफ दिख रहा है, तो हॉट व्हील्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। सो हमारे पास इस वक्त है पोर्शे 935 और ये वाइट कलर में, हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको बहुत एहतियात से हम बाहर निकालते हैं और ये हमारे सामने आ गए। इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, पोर्शे मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये काफ़ी वाइड बॉडी है और इसके जो स्पॉयलर वगैरह अगर आप देखा जाए तो ये इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल कार। इसकी आपको इसकी हेडलाइट्स नज़र आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रैक ओनली कार है, सो इट्स लाइक वेरी परफॉर्मेंस इन्हेंस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड कार है। इस पर आपको जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको जो है पोर्शे का लोगो नज़र आ रहा है फ्रंट पे भी, और 277 लिखा हुआ है एंड अर्बन आउटलॉ बेसिकली इसके ऊपर टॉप पे इसके डिज़ाइन दिए, और इसके स्पॉयलर पे भी पोर्शे लिखा हुआ है। इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल कार।
अच्छा, हमारे पास जो पांचवी गाड़ी है वो है पोर्शे 944 टर्बो, 1989 की गाड़ी है ये। अगेन हम इसको बहुत एहतियात से ओपन करेंगे। अच्छा, अब पोर्शे इस तरह के डिज़ाइन नहीं बनाता बेसिकली, पहले पोर्शे इस टाइप की बनाता, अब उसकी शेप्स जो हैं यूजुअली सिमिलर हो गई हैं। अगर आप पोर्शे 911, 911 GT2, GT3 सब देखें तो उनके शेप्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी डिफरेंट है। रेड कलर में पोर्शे 944 है और ये खूबसूरत गाड़ी इन्होंने बनाई है। अच्छा, आप इसके बैक में देखें तो आपको स्टेथोस्कोप, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ये दिया हुआ है, शायद ये किसी डॉक्टर के पास होगी मे बी, बट इन्होंने पीछे स्टेथोस्कोप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिया हुआ है। बट इट्स नाइस कार, आई रियली लाइक इट, सिंपल एंड नाइस कार। सो हमारी जो सबसे लास्ट गाड़ी है वो है मर्सिडीज बेंज ए क्लास, यानी कि हैचबैक। सो लेट्स ओपन इट। हमारे पास मेटालिक ग्रे में है और मर्सिडीज़ बेंज ए क्लास। पर्सनली मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। मर्सिडीज़, इफ़ आई वुड एवर हैव टू बाय अ मर्सिडीज़, आई वुड बाय ए क्लास, बिकॉज हैचबैक्स आर यू नो प्योर लव एंड प्योर जॉय टू राइड इन सिटी। और ऑब्वियसली इसके अंदर तमाम लग्जरी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो मॉडल है वो खूबसूरत है काफ़ी। डिटेल टेल लाइट्स हैं, डिटेल हेड लाइट्स हैं और ग्रिल भी काफ़ी अच्छी है। मर्सिडीज़ का लोगो है, साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप देखें पीछे भी लोगो दिया हुआ है, और इसके अलावा उन्होंने नंबर प्लेट भी दी हुई है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन कीप मेकिंग सच वीडियोस एंड ब्रिंग इट फॉर यू गाइज। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।